हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रूम। आज आप हमें जानते होंगे, मैं ओझा सर आज आपके लिए नया क्लास 9 आईसीएसई वालों के लिए मैथ्स लेकर आया हूं नए सीरीज के साथ। नाम सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, समझ में भी आया होगा। चलो फिर से समझते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जिसका नाम हम खुद से रख देते हैं ए बी एंड सी। यहां पे पता है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 6 में 7 में 8 में आप पढ़े होंगे। तो हमारा जो बी है वो 90 डिग्री है। अब हम इसमें देखेंगे जो सबसे बड़ा साइड होता है यानी एसी, उसको एच यानी हाइपोटेनस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको हम लोग बेस कहते हैं। मतलब ए बी हमारा परपेंडिकुलर हो गया, BC हमारा बेस हो गया और CA हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेशियो में सबसे पहले नाम सुने होंगे cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, ये सब। तो आगे हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। अब इसके लिए हमको क्या देखना होगा, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि साइन थीटा, तो साइन थीटा में हमारा क्या आता है, तो साइन थीटा हमारा होगा पी बाई एच, यानी पी बाई एच मतलब ए बी बाई। सेकेंड हमारा आता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा जो हो जाता है वो बी बाई एच हो जाता है, बी बाई एच मतलब बी सी बाई। अब इसमें एसी सबसे बड़ा होता है, तो एक इसका हमारा, और टेन थीटा जो होता है वो, टेन थीटा जो है वो हमारा पी बाई बी होता है, मतलब ए बी बाई बी सी। क्या आप लोग अभी तक समझ चुके हैं? अब आगे हम लोग देखेंगे अब चलिए ये हम लोगों ने सीख लिया, अब ये कब होगा, किस कंडीशन पे होगा, तो हमारा जब थीटा हमारा सी के पास, यानी सी हमारा थीटा होगा, तो अगर यहां पे थीटा होगा तो ए बी हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और अगर थीटा हमारा ए के पास होता है तो हमारा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, आप तो जानते ही होंगे, बी सी बन जाएगा, यानी बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा बेस बन जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इनका कुछ अपोजिट भी होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, तो आप लोगों को पता भी होगा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और टेन का कॉट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉसेक में बस ये उलट जाएगा, कॉसेक में हमारा हो जाएगा कि कॉसेक थीटा में हमारा पी बाई एच है, तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा यानी सेक थीटा में हमारा बी बाई एच यानी बी सी बाई ए सी है, तो ये एच बाई बी हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, एच हमारा एसी है तो एसी लिख देंगे, और पी हमारा ए बी है तो ए बी लिख देंगे। कब, जब हमारा थीटा सी के पास होगा, यानी थीटा का वैल्यू सी, सी के वैल्यू थीटा, यानी यहां पे जब हमारा थीटा रखा जाएगा तो यहां पे हमारा ये आ जाएगा। अब आता है सेक का, तो
एच फिर से हमारा ए सी है और हमारा जो बी है वो बी सी है। अगेन आगे बढ़ते हैं, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, कॉट। तो हम जान सकते हैं कि जब ये पी बाई बी है तो इसको हम लोग इनवर्स रेसिप्रोकल करेंगे तो बी बाई पी हो जाएगा। तो चलिए बी बाई पी हो जाएगा और इसका हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्या, तो ये p by b है, यदि ये b by bc है तो यहाँ पे bc by ab हो जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आएगा और हम आपके लिए नए वीडियो में एक इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन है, विशेषकर आप नाइन्थ वालों सीबीएसई और आईसीएसई, टेंथ सीबीएसई वालों और नाइन्थ आईसीएसई वालों के लिए, उनका जो स्कूलिंग एग्जामिनेशन है वो पढ़ नहीं पाए होंगे, इसलिए उनको हम बस मात्र 28 डेज में पूरा बुक खत्म करके दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। अब आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे बड़ी बात, इसके बाद जो आएगा वो स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्री हम बताएंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अभी के लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें। बाय।